तो आखिरकार सलमान खान का और लूलिया वेंतूर का नाम एक ही पोस्टर में एक साथ लिखा ही गया। सलमान खान की रेस 3 का अगला गाना रिलीज होने जा रहा है शुक्रवार को। गाने का नाम है सेल्फिश और ये गाना एक रोमांटिक गाना होने वाला है। गाना खास इसलिए है कि इसे खुद सलमान खान ने लिखा है। गाने को कोरियोग्राफ किया है रेमो डिसूजा और इसको म्यूजिक दिया है विशाल मिश्रा ने। गाने को गाया है दिल दिया गल्ला सिंगर आतिफ असलम ने और सलमान खान के खास दोस्त लूलिया वेंतूर ने। हालांकि सलमान खान खुद भी इसका एक वर्जन जरूर गाएंगे, ऐसा हमें यकीन है, क्योंकि सलमान के अंदर गाने का जो कीड़ा है वो बहुत ही खतरनाक है। और अब इस बार देखना होगा कि उन्होंने खुद जो गाना लिखा है वो कितना खास होने वाला है। उनकी खास दोस्त ये गाना गा भी रही है और सलमान सुर ना लगाए ऐसा तो नामुमकिन सा ही है। हालांकि लूलिया एक अच्छी सिंगर हैं, इसमें कोई दोराय नहीं। उन्होंने सलमान खान के मैं हूं हीरो तेरा का फीमेल वर्जन गाकर सनसनी मचा दी थी। इसके बाद लूलिया ने हिमेश रेशमिया के साथ एक सिंगल गाना भी लॉन्च किया था। वैसे सलमान खान के साथ लूलिया जग घूमिया गा चुकी है। याद है जब सलमान ने बिना अपनी सुल्तान टीम को बताए गाना रिकॉर्ड किया था और रिलीज भी कर दिया था। लेकिन सारी बातें एक तरफ और सच एक तरफ कि लूलिया में सुर की समझ भले ही हो लेकिन उनकी गायकी में भाव और उच्चारण दोनों की कमी है। अब बिना फील के रोमांटिक गाना और रोमांस कैसे हो पाता है ये तो देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इससे रेमो डिसूजा का सर दर्द जरूर बढ़ गया होगा। रेमो रेस 3 डायरेक्टर हैं और फिल्म 15 जून को रिलीज हो रही है। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो, क्योंकि मिलती है आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।